आप देख रहे हैं TNB। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के आयोजन के चलते DTC ने बसों के कई रूट में बदलाव किए हैं। DTC ने यातायात पुलिस के अनुदेश पर बसों के परिचालन में यह बदलाव किया है। 26 जनवरी को परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किला पर जाकर समाप्त होगी। इस कारण संबंधित मार्गों पर चलने वाली बस के अलावा कई दूसरी रूट पर चलने वाले बसों के रूट भी सुबह 4 बजे से परिवर्तित रहेंगे। वहीं DTC के अनुसार जिन बसों के रूट में बदलाव किया गया है उनमें रूट नंबर 604, 620, 680, 610, 781, 433, 460, 505, 520, 615, 522, 335, 375, 623, 106, 107, 114, 115, 116, 124, 125, 128, 131, 137, 146, 148, 154, 175, 178, 172, 823, 923, 924, 926, 929, 937 और 966 के अलावा कई दूसरे रूटों की बसें भी शामिल हैं। यमुनापुर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए आने वाले बसें कश्मीरी गेट, बस अड्डा और मोरी गेट के पास समाप्त हो जाएगी। DTC ने कहा कि दिल्ली यातायात पुलिस ने IP मुख्यालय, ITO, फ्लाईओवर, वेलोड्रोम रोड पर ISBTC की ओर से बसों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी है। इस कारण संख्या 419, 425 आदि की बसें ऊपर से भैरव मार्ग तक और फिरिंग रोड के लिए चलेंगी। उत्तम नगर से आनंद विहार जाने वाली 740 रूट पर चलने वाली बसें धौला कुआं से सड़ाई काले खां होते हुए आनंद विहार जाएगी। रूट नंबर 85, 966 आदि शिवाजी स्टेडियम में समाप्त होगी। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।